हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्लास टेंथ का यूनिट नंबर थर्ड है। इसमें हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन ये हमने ऑलरेडी नाइन्थ में पढ़ा है। कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री वन हो उसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। जैसे हमारे पास है ये एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास है। यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, इसका हाईएस्ट पावर वन है, इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री वन है और यहाँ साइन ऑफ इक्वलिटी, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन होती है वो वाली इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, वन हो, उसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर बात आ रही है हमारे पास इसका जनरल फॉर्म क्या, अगर हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल लेंगे, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है, कौन सा? एक्स। इसलिए लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में? एक वेरिएबल में। इसका जनरल फॉर्म क्या लेंगे हम? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, ए और बी हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स, और हमारे पास ए कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ए एंड बी हैं रियल नंबर्स, ए बी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ऐसे हमारे पास लेंगे, अगर हमारे पास अब यहाँ पर क्या आ रहा है, पेयर। पहले हम लेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। कोई भी इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, दो, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर ले लूँ मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स हो गया हमारे पास ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई मतलब ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल्स में? टू वेरिएबल्स में। हो गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर ना ए ज़ीरो होना चाहिए और ना बी ज़ीरो। अगर यहाँ पर ए ज़ीरो हो जाएगा, एक्स के साथ सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन ए की वेरिएबल में बचेगी। इसलिए ए ज़ीरो होना चाहिए, अगर बी ज़ीरो हो जाए तब ये ए के एक वेरिएबल में चली जाएगी। इसलिए ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के लिए न ए ज़ीरो होना चाहिए न बी ज़ीरो होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमारे पास क्या कह रहा है? पेयर ऑफ। अब लेने हमारे ये एक है, हमें लेना है पेयर। जैसे मैं ले लूँ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो, योगी एक ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो। ये बन गए दो लीनियर इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स में ये बन गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमारे पास सॉल्यूशन का मतलब, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का? वो वैल्यू वेरिएबल का जिससे पूरा इक्वेशन बराबर हो जाए, दोनों साइड से बराबर हो जाए। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पर लीनियर इक्वेशन थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, ये दोनों साइड बराबर हो जाए, ये बनेगा थ्री एक्स, इसको हम ट्रांसफर इस साइड करेंगे, ये बन गया माइनस वन। एक्स किसके बराबर? माइनस वन, ये थ्री इसको डिवाइड हो जाएगा, ये बन गया एक्स का वैल्यू, ये इसका सॉल्यूशन है। अब हमें पता चला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक ही सॉल्यूशन होता है। कितना सॉल्यूशन होते हैं? एक सॉल्यूशन, मीन यूनिक सॉल्यूशन, इसका हमेशा ये एक ही सॉल्यूशन रहेगा, इससे बढ़कर सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमारे पास जितने भी हम एक्स के वैल्यू देंगे उतने वाई के वैल्यू आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ लेंगे एग्जाम्पल के तौर थ्री, नहीं हम लेंगे सैम्पल में एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, ये भी लीनियर इक्वेशन क्योंकि टू इस साइड है। अब अगर मैं एक्स का लिख सकता हूँ, एक्स के वैल्यू हो गए टू माइनस वाई, यहाँ वाई के वैल्यू जितने भी ले लूँ मैं, एक्स के वैल्यू चेंज होते जाएंगे। अगर मैं वन ले लूँ, वाई ले लूँ वन,
एक्स बनेगा 2 माइनस 1 वो बनेगा 1। ऐसे में वह एक्स की वैल्यू वाई का वैल्यू 2 ले लूँ, एक्स बनेगा 2 माइनस 2 एक्स इक्वल टू 0। ऐसे 3 ले लूँ ये माइनस बनेगा, मैंने जितने वैल्यू में ले लूँ उतने वाई की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के होते हैं इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन। हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास लीनियर के 1 वेरिएबल होते हैं यूनिक सॉल्यूशन और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होते हैं इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस। ये अगर हमारे पास एक इक्वेशन की बात, अब यहाँ पर पेयर की बात है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, इनके हमने सॉल्यूशन निकालने हैं। इनके सॉल्यूशन हम अगर हम ग्राफिकली लेंगे, इसके मेथड्स बहुत सारे हैं, ग्राफिकली है और एलजेब्रिकली है। ग्राफिकली भी हम निकाल सकते हैं और एलजेब्रिकली निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन लीनियर के सॉल्यूशंस को, एंड एलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन या पेयर ऑफ लीनियर, इनको एलजेब्रिकली हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इनके क्या सॉल्यूशंस हैं। हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने लिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ये एक हमने लीनियर इक्वेशन ली। दूसरा हमने लिए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है। अब हमारे जो x है इसके कोऑफिशिएंट्स क्या है, हमारे पास a1, b, y का कोऑफिशिएंट b1 और c है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर a2, b2, c2, इनको अब हमने कंपेयर करना है, ग्राफिकली भी देखना है और हमारे पास एलजेब्रिकली देखना है इनके कैसे सॉल्यूशंस होंगे। और हमें देखना है जो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उनका पेयर लेंगे, उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको कैसे हम कंपेयर करेंगे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन पेयर को अगर हम एक साथ लेंगे इनका कितना सॉल्यूशन हो सकता है। उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, एक ही ग्राफिकली हम भी देख सकते हैं, एलजेब्रिकली भी हम देख सकते हैं और हम इनके रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास टेबल देखना है, याद रखना है। पहला हो गया कंपेयर द रेशियोज, इन रेशियोज़ को कंपेयर करना, इनके जो कोऑफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज़ को ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, इनको रेशियो करना है फिर उनको कंपेयर करना, उसके लिए दिया गया हमारे पास क्राइटेरिया। दूसरा हो गया हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब ये रेशियो हम देखेंगे फिर हमें पता चले ग्राफिकली इनका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा इनका लीनियर इक्वेशंस का। उसके बाद हम एलजेब्रिक इंटरप्रेट कर सकते हैं इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। पहला है अगर ए वन डिवाइड बाई ए टू बी वन डिवाइड बी टू के बराबर नहीं होगा, मतलब ए वन डिवाइड बाई ए टू को हम रेशो करेंगे वो बी वन डिवाइड बाई बी टू के रेशो के बराबर नहीं होगा, तब हम ग्राफिकली कह सकते हैं जो इनका ग्राफ है, जो लाइंस दो लाइंस का ग्राफ बनेगा, हमारे पास पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जो इसका ग्राफ है वो स्ट्रेट बनता है, इनका ग्राफ हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास इन दो लाइंस जो हैं, ये ग्राफ जब हम देखेंगे ये जो लाइंस है ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे हम लेंगे यहाँ पे, हम इसके ऐसे एग्जांपल लेंगे, ये ग्राफ हम बनाते हैं, जैसे ये आएगा ऐसे और ये ऐसे, मीन इसने इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर भी आ सकता है इंटरसेक्ट, मतलब ये एक दूसरे को काटते हैं किसी भी पॉइंट पर। ऐसे अगर हम दूसरा लेंगे, अगर ए वन डिवाइड बाई ए टू होगा बी वन डिवाइड बी टू के बराबर, सी वन डिवाइड बाई सी टू के बराबर, तब क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना, जैसे एक का ग्राफ बन रहा है दूसरा का भी ग्राफ एक ऐसे जाएगा, एक हम दिखाएंगे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स एक का ग्राफ ऊपर जा रहा है एक का ग्राफ नीचे जा रहा है, मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर आए, जितने भी पॉइंट्स इनका सोल्यूशन बनेंगे वो एक के ऊपर दूसरे बनेंगे, यहाँ पर इनका सोल्यूशन बन रहा है क्योंकि इंटरसेक्ट करें, ये यहाँ पर इनका सोल्यूशन बन रहा है। ऐसे हमारे पास अगर ए वन डिवाइड बाई ए टू होगा बी वन डिवाइड बी टू होगा सी वन नहीं होगा बड़ा सी वन डिवाइड बाई सी टू, तब लाइन्स बनेंगे पैरेलल, या ऐसे लाइन्स जिसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, ये कभी मीट नहीं करेंगे। अब इस कंडीशन में
जो पहला ग्राफ बन रहा है उसमें हमारे पास क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, मीन इसका एक ही सोल्यूशन, ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक ही सोल्यूशन होगा। यहाँ पर हमें पता चला इसका कितना सोल्यूशन होगा, एक ही होगा। इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन मीन्स जितने भी पॉइंट इन मिलते जाएंगे उतने मिलते, यहाँ पर भी ये मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि हर जगह मिलेंगे क्योंकि कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए इसके होंगे इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन। यहाँ पर हमें पता चला इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लाइन्स पर लाइन ये कहीं मीट नहीं कर रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये टेबल आपने याद रखना है। इसके बाद दो चीज़ें होती हैं जो हमने और पढ़ना है, इन लाइन्स को हम कब कंसिस्टेंट कहेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट। अभी हम यहाँ पर हम देखेंगे कंसिस्टेंट कब होते हैं इक्वेशंस। आपको याद रखना जब इक्वेशंस के क्या होंगे सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा सोल्यूशन, सोल्यूशन दो ही किस्म के एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक या इनफिनाइट मनी, मीन दोनों यूनिक सोल्यूशन प्लस इनफिनाइट मनी सोल्यूशंस। इसका मतलब जब भी इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन हो या यूनिक होगा या इनफिनाइट मनी सोल्यूशन, तब हम उनको कहेंगे कंसिस्टेंट। यह होगा यूनिक सोल्यूशन, यह होगा इनफिनाइट मनी सोल्यूशन, इनफिनाइट भी होगा तब भी कंसिस्टेंट, यूनिक होगा तब भी कंसिस्टेंट, जब कोई सोल्यूशन नो सोल्यूशन जब होगा तब उनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन नो सोल्यूशन। जब इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा तब कंसिस्टेंट कहलाती है, जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा तब इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं। ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक।